सिनेमा घरों और प्रेक्षागृह में बिकने वाले खुले खाद्य पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि से दर्शकों के जेब पर भारी असर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सिनेमा घरों में बिकने वाले खुले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अभी भी सिनेमा घरों में खुले खाद्य पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। आइए देखते हैं कि खाद्य पदार्थों के मनमाने रेट पर लोगों ने CN24 से क्या कहा। नमस्कार, मैं बैजू गुप्ता, इस समय रियलिटी चेक। आज हम सिनेमा हॉलों का रियलिटी चेक करेंगे कि उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं वो अब तो चूँकि मॉल और सिंगल सिनेमा का जो चलन ख़त्म हो गया और मॉल का जो चलन आ गया है उसमें अंदर बाहर से खाद्य सामग्री ले नहीं जाने दी जाती है, लेकिन अंदर जो अपना खाद्य सामग्री बेचते हैं उस पर कोई MRP नहीं होती है ना ही, और नहीं तो वो बाहर के सामानों से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आइए, कुछ यूथ हमारे साथ हैं जो अक्सर पिक्चर मॉल में देखने जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि अंदर जाने पर उनको क्या क्या परेशानी या फिर कितनी महंगा पड़ जाता है उनको एक पिक्चर देखना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नवीन कुमार। क्या नाम? नवीन कुमार। नवीन जी, ये बताइए, आप पिक्चर देखने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं सर। तो कितना खर्चा आ जाता है? अरे बहुत, लूटते तो बहुत हैं सर, बाहर के रेटों से अंदर बहुत ज़्यादा है, 3 गुना 4 गुना के रेट में है। प्रिंट उस पर कुछ होता नहीं है, मनमाना रेट लिया जाता है। कभी आप लोग ऑब्जेक्शन किए? ऑब्जेक्शन किया है 1-2 बार, लेकिन कोई वो नहीं होता उस पर। क्या आपको मालूम आता है लेना है तो लो, वरना आप बाहर जा सकते हो। क्या आपको मालूम है कि इस पे आप उपभोक्तापुरम में दर्ज कर सकते हैं? हाँ मालूम तो है, लेकिन कुछ लोग और सामने आएंगे तो साथ में मिलके लड़े इसके लिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्या नाम है सर? जी राकेश यादव। राकेश जी, आप मॉल में पिक्चर देखने जाते हैं? जी जरूर जाते हैं। तो बाहर से कभी खाद्य सामग्री ले गए तो ले जाने दिया? जी नहीं। अंदर कितना महंगा पड़ जाता? जी 2-3 गुना पड़ जाता है, क्योंकि उस पर प्रिंट रहता नहीं है, वो लोग जो मांगते हैं वो मजबूरी में देना पड़ जाता है। अगर नहीं लेंगे तो फिर खाने के लिए कोई कुछ रहेगा नहीं अंदर। कभी विरोध किया आपने? नहीं, अभी तो नहीं किया है, लेकिन फिलहाल अब भाइयों का साथ है, अब करना ज़रूरी है क्योंकि अत्याचार बढ़ गया है, अब हम लोग किया जाएगा। क्या सर आपको जानकारी है कि हाँ इस मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम में बात दाखिल की? जी, हमको अच्छी तरह जानकारी है कि इस मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम में रिट दाखिल की जा सकती है, ठीक है, और हम और हमारे सभी साथी इसका विरोध करते हैं। मुझे भी कई बार इस सूचना मिली है अपने भाइयों के द्वारा, और हम लोग भी कई बार मॉल में गए हैं तो ये देखने को मिला है कि उसका किसी चीज़ का प्रिंट नहीं होता है और उसका जस्ट 2 गुना दाम वसूले जाते हैं। अन्यथा वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के मैनेजर आपसे अमरादित बातें करने को तत्पर हो जाते हैं, और फिर परिवार के साथ जाना, मित्र मंडली के साथ जाना, फिर आदमी वहाँ झगड़ा लड़ाई करने नहीं गया है, ये मेन बातें हैं। मैं इसका आपके माध्यम से जानकारी हुई, मैं इसका और हम और हमारे साथी अब इसका विरोध करेंगे। आप जाते हैं सर? जी हाँ सर, फैमिली के साथ जाते हैं। जी हाँ। कितना महंगा पड़ जाता है? पहले सिंगल स्क्रीन पर जाते थे तो बाहर से खाना वगैरह सब ले भी जाते थे, और अब वहाँ अगर देखने जाते हैं तो कितना गुना आपका खर्च पड़ेगा? समथिंग सर, पहले जाते थे तो हमारे काम 500 में हो जाते थे, आज वही हमारे 2000 रुपये लग जाते हैं एक बार जाने पे, क्योंकि अंदर तो बिल भी मिलता नहीं है। आप सामान लेते हैं, कोई पॉपकॉर्न लिया, बिल तो कुछ मिलता नहीं है उसका, और रेट भाई एक छोटा पॉपकॉर्न है जो बाहर मिल जाएगा 10 रुपये का, वहाँ मिलता है 100 रुपये का। 10 गुना की बढ़ोतरी? 10 गुना की बढ़ोतरी है कमाई में। 10 गुना की बढ़ोतरी कमाई में तो कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई सर, खर्चे में बढ़ोतरी हो गई है। क्या आप लोग अब क्या इसका विरोध करेंगे अब जानकारी के बाद कि हाँ बिना MRP के और बिना बंद पैक सामानों के बिक्री नहीं कर सकते? जी हाँ बिल्कुल, विरोध इसका किया जाएगा। इसका विरोध करना सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लूट खसोट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर मॉलों में। अभी हम खड़े हैं सिटी मॉल पे, शहर का पहला मॉल, और यहाँ पे पहले मॉल में ही सिनेप्लेक्स है, यहाँ पे 3 सिनेप्लेक्स है, और यहाँ भी खाद्य पदार्थ अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है। आइए, मेरे साथ हैं सर, और उनसे वो अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि अंदर उनको कितना महंगा पड़ता है खाना। सर आप पिक्चर देखने हैं? हाँ पिक्चर देखने आए। कितनी बार आते हैं महीने में? वही 2-3 बार। खाने की क्या व्यवस्था? खाने की व्यवस्था मैं तो यहाँ खाता नहीं वैसे ज़्यादा, तो ज़्यादातर बाहर ही खाता हूँ यहाँ तो। जैसे कि अंदर क्या बाहर से खाद्य पदार्थ अंदर ले जाने को मिलता है? नहीं, अंदर अलाउड नहीं है, अंदर आप नहीं लेके जा सकते। क्या जो सामान आप अंदर खरीदते हैं उस पर MRP?
एमआरपी हाँ होती है एमआरपी पॉपकॉर्न पे और पेप्सी वगैरह पे? पेप्सी पे होती है, पॉपकॉर्न पे नहीं होती आई थिंक। नहीं, क्या आपको मालूम है कि बंद डिब्बे के अलावा खुला खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकते? बंद डिब्बे के अलावा खुला खाद्य पदार्थ नहीं पता है। तो सर आप खुले में देते हैं ना, मतलब वो बना के देते हैं आपको पॉपकॉर्न किसी डिब्बे में, कस्टमाइज उनका होता है। प्रशासनिक आदेश है कि वो बंद डिब्बे के अलावा खुला खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकते। अच्छा, एमआरपी से ज़्यादा नहीं? एमआरपी से ज़्यादा तो मुझे पता है, लेकिन खुले में तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पॉपकॉर्न है जैसे, ठीक है, कुछ कोल्ड ड्रिंक होती हैं तो भी तो मतलब खुले में ही वो तो वैसे ही होती है। पैकेजिंग में तो जो आती हैं कोल्ड ड्रिंक आती हैं, जैसे आप लिमका या पेप्सी लेते हो तो आप बॉटल लेते हो प्लास्टिक की, वो भी तो प्लास्टिक का ही कंटेनर है, वो भी अलाउड नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो तो पैक डिब्बा है ना, वहाँ खुले की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे आपको खुले में पेप्सी मिलती है वहाँ। हाँ हाँ मिलती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मालूम है आपको? नहीं, ये तो मालूम है मुझे, लेकिन ऐसे आप जैसे पूछ रहे हो ये मतलब थिएटर में ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो बाहर से तो ऐसे सर्व करते ही हैं। जैसे आप बाहर से कितना महंगा आपको खाद्य पदार्थ? यहाँ से 2 times होगा या 2.5 टाइम्स होगा, ऐसा ही होगा, 2 से 3 गुना महंगा। हाँ हाँ, बाहर जो चीज़ 20 रुपये में मिलती है अंदर कितने? वही 50 रुपये में, 50-55 रुपये में आएगी। तो क्या इस पर कभी ऑब्जेक्शन किया? तो हम खाते नहीं हैं तो हमें ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर खाएं तो हमको महंगाई की वजह से नहीं खाते हैं, बट कभी कभी ले लेते हैं जब ज़रूरत होती है। तो पिक्चर देखने जा रहे हैं? नहीं सर, कभी गए हैं? गए हैं। क्या आपको वहाँ पर महंगा लगा? पॉपकॉर्न। ऐसा क्यों? ज़्यादा महंगा, कॉस्टली ज़्यादा है। कितने का पड़ जाता है? 450 रुपये का पड़ता है। तो अगर दोस्तों के साथ जाते हैं तो कैसे आप मैनेज करते हैं? पार्टनरशिप ही करते हैं और क्या, 50-50 रुपये का। पहले आप सिंगल विंडो होते थे शहर में, जो स्क्रीन होते थे वहाँ जाते तो क्या इतना महंगा पड़ता था? नहीं, MRP होती है? नहीं, MRP नहीं होती है, खुले में। खुले में आपको मालूम है कि बिना MRP कोई चीज़ नहीं बेच सकते? मालूम है। कभी विरोध नहीं? नहीं, विरोध नहीं किया। तो जैसा कि बात किया हमने, लोगों को मालूम तो है कि हाँ बिना MRP के नहीं बेच सकते हैं, खुले में खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। हो सकता है ये मॉल कल्चर है और वही छोटे से दुकान पे और ठेले पे जाएंगे तो उस चीज़ को लेकर वो विरोध करते हैं कि यार इतना महंगा दे रहे हैं, लेकिन मॉल कल्चर में लोग अक्सर विरोध नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उपभोक्ताओं की कमी भी है जो उसका विरोध नहीं करते हैं। मैं बैजू गुप्ता, रंजीत, कैमरामैन रंजीत के साथ CN24 के लिए।